हरिओम। आप बंद हैं? मैं विजय सिंह शेखावत और ये मेरी पत्नी ज्योतिवीरा शेखावत। हम आसनगांव केंद्र से बापू के यहाँ सन 2000 से हम लोग आ रहे हैं। अब मैं 10 मार्च 2016 गुरुवार के दिन दादा से मिलने क्लिनिक आया था। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बड़ा लड़का तेजस। दादा से मिलकर हम लोग नीचे गुरु क्षेत्र में गए। वहाँ दर्शन वगैरह लेके उदी लेके हम लोग घर की तरफ फिर रवाना हुए। रवाना होते टाइम हम लोग थाना तक पहुँचे और थाना से चलते चलते मुझे मेरा गाड़ी नज़र आती है, मेरे साले की, उसके ऊपर मेरी नज़र जाती है वो गाड़ी पे। और मैं वो गाड़ी देख के अपनी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर रुकाता हूँ। और रुकाने के बाद मैं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, हम लोग जाके उनसे मिलते हैं। हाय हेलो, कैसे हो, क्या है, ऐसा रुके आप बीच में, क्या बात है, बोले ऐसे ही बस रुके थे हम। तो हमारी वहाँ मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद 10 मिनट बात करने के बाद वो आगे चलते हैं मेरे, बोले चलो अभी चलते हैं। बोला ठीक है, आगे निकल जाते हैं मेरे, मैं उनके पीछे से चल रहा हूँ। और जब मेरी गाड़ी पिकअप ले लेती है 100-120 के आसपास, मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, नासिक हाईवे पे। और अचानकली मेरे सामने एक पंप से वैगनार आती है और डायरेक्ट राइट टर्न लेती हूँ। और नज़दीक आने के बाद में वो तुरंत राइट टर्न लेने के बाद मैं एकदम घबरा जाता हूँ। तब गाड़ी रुकाऊँ कैसे मैं? बापू का स्मरण करता हूँ, बापू अभी आप ही हो। और ब्रेक तो दबाता हूँ मैं, लेकिन गाड़ी रुक रही नहीं है मेरी। टायर, चारों टायर में जाम है, एकदम धुआं 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 पूरा हो रहा है। और जैसा उस वैगनर को फटका लगता है, और यहाँ पे मुझे एक ऐसा दिल में है कि मेरी मिसेस साइड में बैठी है, बोला अगर इसको अगर फटका बैठता है वैगनर को, तो ये कांच तोड़ के स्विफ्ट डिजायर का ये वैगनर के साथ में आगे जाके गिरती है। तो एक हाथ मैंने ऐसा आड़ा किया उसकी तरफ, एक हाथ में स्टेयरिंग और ब्रेक दबा के रखा हूँ, और सामने वैगनर बचते बचते आके उसको ठोक ही दिया। ठोकने के बाद वो वैगनर 15 से 20 फुट आगे निकल गई ठोकने के बाद, और जाके डिवाइडर में अटक गई हो। और मेरी गाड़ी नासिक की तरफ जा रही थी, मेरा गाड़ी का वापस घूम के मुंबई की तरफ उसका मूव हो गया। और उस वक्त मैं ऐसा लेफ्ट साइड में घूम के देख रहा हूँ मिसेस की तरफ, तो सर में से यहाँ से ब्लडिंग चालू उसके। अब मेरे को वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँ। अब मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ तो दरवाज़ा सेंटर लॉक। मौला अब तो अपन बुरी तरह से फंस गए। और बैटरी, जब गाड़ी ठोकी है, बैटरी को एक इंच का भी फासला नहीं है वो पतरे का। अगर वहाँ पे अगर टच होता है बैटरी पे, तो गाड़ी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। फिर भी अंदर टायर के वजह से, धुएं के वजह से मैं घबरा गया हूँ। अब मौला अब तो अपनी कोई बचने की गारंटी नहीं है, बापू आप ही हो। अब दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, सेंटर लॉक पे मार रहा हूँ मैं, 2-3 मुक्के मारे सेंटर लॉक पे, नहीं खुल रहा है। और अचानक आवाज़ आता है सेंटर लॉक से कट करके। जब कट करके आवाज़ आता है तो मैं दरवाजे की तरफ उंगली ऐसा करके वो लॉक दरवाज़ा खोलता हूँ, दरवाज़ा खुल जाता है मेरा। फिर मिसेस के वहाँ से लेफ्ट साइड का मैं घूम के जाता हूँ और दरवाज़ा बैंड हो गया है, मैं उसको ताकत लगा के उसको भी खोल लेता हूँ। फिर देखता हूँ तो इसके ब्लडिंग इतना हो रहा है सर से, और ये बेहोशी की तरफ आँखें ऐसी झपका रही है। तो वो डैशबोर्ड पे, यहाँ से जो उदी लेके गया था मैं गुरु क्षेत्रम से, वो डैशबोर्ड में ही थी ऊपर, वो उदी इसके माथे पे लगाया, ऐसा जबान पे थोड़ा चखा दिया इसको। तो ये बस, ये थोड़ी देर में ये हमें बोलती है कि तुम क्यों घबर रहे, क्यों, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बोला ये अभी आँखें एकदम ऐसी घुमा रही थी और ये हमें ही बोल रही है कि मैं ठीक हूँ। बोला ठीक है। उतने में उनके भाई साहब को मैंने फ़ोन किया, बड़े भाई को, जो हमारे साथ में मिले थे। तो वो उन्होंने वापस रिटर्न गाड़ी घुमा के लाई और इनको उनके गाड़ी में स्कॉर्पियो में डाल के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डॉक्टर भी नमाज के लिए जाने के उनके तैयारी में थे, वो जैसे कोई हमारे लिए वो वहाँ पे रुके हुए कि पेशेंट आ रहा है वो हिसाब से। तो जब इनको वहाँ पे लेके गया मिसेस को मेरे, तो उन्होंने टाके वगैरह लगाए और बोले मैं आता हूँ जाके नमाज पढ़ के,
फिर आपको मैं बताता हूँ क्या है। नमाज से आए उनके बाद में मेरे को कहते हैं कि ठीक है बहुत बच गए आप, आपका ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं उनसे डायरेक्ट वहाँ पे ही बोला हमारे गुरु जी है, गुरु है हमारे, बापू हमारे डैड है, उनका ही है हमें हाथ। तो बोले अभी कोई आप टेंशन मत लो, दवाई वगैरह दी और मलम वगैरह बोले लगाओ 2-3 दिन और ये बाद में 1 हफ्ते के बाद आओ स्टिक निकाल दूंगा मैं, ठीक है। और ऐसा बोल के हम लोग निकल जाते हैं, हमारे गाड़ी की तरफ आते हैं, गाड़ी वहाँ पे ही छोड़ता हूँ मैं जहाँ पे एक्सीडेंट है वहाँ पे ही छोड़ी हुई थी। और जब मेरे गाड़ी को इतना ज़ोर से लगा है, मैं फ़ोटो आपको बताता हूँ कि वो बोला आप गाड़ी भी हिलेगी नहीं जगह से इतना है, लेकिन जो वैगनर को जो मेरा फटका लगा है वो वैगनर जगह पे जाम हो गई है। और मेरी गाड़ी जब मैं आके जब गाड़ी के पास आता हूँ तो गाड़ी को सेल्फ मार रहा हूँ तो गाड़ी स्टार्ट है, वो पत्रे जो बैंड हो गए थे वो पत्रे मैंने ऐसे हाथ से फाइबर वगैरह खींचा तो गाड़ी भी चालू, यानी एक साइड का पोजिशन नहीं है लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करके हम लोग डायरेक्ट वो पंप पे जाके लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर हम लोग घर की तरफ वो स्कॉर्पियो से मिसेस को बोलता हूँ तू चल आगे मैं आ रहा हूँ पीछे गाड़ी लगा के। तो एक दूसरी गाड़ी पीछे से थी उसमें बैठ के मैं आया और ये उनके भाई का भाई साहब के साथ चली गई घर। और रात में हम लोग बैठे थे 2:30 बजे तक, हम लोग सब बिल्डिंग के आदमी आ रहे हैं, सब पूछताछ हो रही है। उस वक्त मैं इसको बैठा बैठा ऐसा ही पूछा, मौला यार मैंने तो तेरे को आगे से हाथ किया, नहीं तो तू कांच फोड़ के तोड़ के निकल जाती थी बाहर। तो ये बोलती आपने आगे से हाथ किया कि पीछे से हाथ था, बोला नहीं मेरा तो हाथ आगे से था। ये बोलती नहीं मुझे तो पीछे से किसी ने पकड़ा, बोला किसी ने पकड़ा तो सडनली एकदम आ गए, बोला नहीं बापू ही हो गए। जब ये बाद में इसके आँखों से धारा रुक रही नहीं है, बोले नहीं ये तो बापू नहीं है। फिर पीछे से लड़के को पूछा, बोलता नहीं मैं तो नहीं है, बोला मैंने तो पीछे से हाथ नहीं रखा, मैंने तो हाथ आगे से रखा कि तू आगे नहीं जावे जम करके। नहीं बोलते मुझे पीछे से ऐसा कोई पकड़ के ऐसा खींचा, बोला भाई बापू ही है। उसके बाद में फिर इसने अपना बोलना चालू कर दिया, बोला ऐसा है हरिओम श्री राम अम्बज्ञा। आज मैं आपके सामने जो बैठी हूँ बोल रही हूँ वो मेरे बापू की वजह से, मेरे डैड की वजह से। मेरा उस दिन बर्थडे भी था, 10 मार्च को एक्सीडेंट हो गया, 11 मार्च को मेरा बर्थडे था। वो बर्थडे मतलब पुनर्जन्म बापू की वजह से ही है। रात को 12 बजे ही सबने सेलिब्रेशन किया, मेरे डैड ने मेरा दूसरा जन्म किया है, हुआ है मेरे डैड की वजह से। और मेरा भाई मिला वो भी डैड ने ही भेजा था, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं था कि मैं यहाँ हूँ ऑन रोड हूँ, और मेरे को भी पता नहीं था कि वो ठाणा जा रहे था। डॉक्टर को रुकाया वो भी बापू ने ही रुकाया, हाथ किया हाथ पकड़ा मेरा, पीछे से हाथ पकड़ा वो भी मेरे बापू का ही हाथ था। मेरे बापू की वजह से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और उदी के प्रभाव से मैं बेहोश नहीं हुई। मुझे सब मतलब ब्लडिंग बहुत हो रहा था और घाव भी एकदम नॉर्मल है, और मेरे हस्बैंड को और मेरे लड़के को कुछ भी एक खरोज भी नहीं आए, किधर हैंड बैंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज मैं 3rd-4th दिन है आपके सामने बात कर रही हूँ, ये सब मेरे डैड का चमत्कार है और कुछ नहीं। हरिओम बापू अम्बज्ञा।